सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आज बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 700 के MX वेरिएंट के बारे में, क्योंकि मैं हर किसी की वीडियो बना चुका हूं। बस AX3 वाला वेरिएंट रहा है, उसकी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी। बाकी वीडियो देखना चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते देख सकते हैं, XUV 700 की सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज सारी सारी बात करने वाले हैं MX वेरिएंट के बारे में, इसमें आपको क्या प्राइसिंग वगैरह जो भी होगी वो आपके डिस्प्ले मेंशन हो जाएंगे। और एक और बात, ये थोड़ा सा एक्सेसरीज वाला भी इसमें मामला है, तो कौन कौन से एक्सेसरीज है जैसे अलॉय व्हील्स वगैरह, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, तो वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। ये कार कंप्लीट नहीं है अभी, इसका काम चल रहा था, बट फिर भी मैंने वीडियो बना दिया। आप लोग कहोगे तो जब ये एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट हो जाएगी तब भी अगर कहोगे तो एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। तो बात करें अगर फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प का सेटअप नहीं मिलेगा, आपको हैलोजन का सेटअप मिलने वाला है। इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे मिलेंगे, नीचे कोई भी फॉग लैंप आपको अवेलेबल नहीं है। फ्रंट स्किड प्लेट भी आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगी, यानी नहीं मिलेगी वो। और जो ग्रिल है वो अच्छी बात है कि जो ग्रिल आपको बियानो फिनिश के साथ मिलती है, यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा। वरना कई में तो ऐसा होता है कि मतलब वो एक मैट फिनिश में दे देते हैं तो वो अच्छा लगता है बेस के हिसाब से, लेकिन आपको इसमें ग्लॉसी फिनिश मिलने वाला है। फ्रंट से कुछ ऐसा लुक देखने के लिए मिलेगा। और बात करें अगर वाइपर्स की, तो यहाँ पे नॉर्मल वाइपर्स आपको नहीं मिलेंगे, एरोटन के वाइपर्स, यानी ये अपग्रेडेड वर्जन, एक थोड़ा सा प्रीमियम वाला है वाइपर्स के हिसाब से। अब जो मैं आपको बताने वाला था, जो कि अलॉय व्हील्स हैं, इसमें आते हैं आपके 17 इंचेस के, लेकिन वो स्टील रिम्स आएंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट इसमें AX5 के अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं, और ये जो आपका फुटस्टेप है ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, तो वो मैं डिस्प्ले पे आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे इसका कवर ऊपर का जो है ORVMs का, वो हट चुका है। बाकी इसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आएंगे, फोल्डेबल नहीं आएंगे। LED के इंडिकेटर आ जाता है, ये बॉडी कलर्ड होने के लिए गया हुआ है फिलहाल। ऊपर आपको रूफ रेल्स कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी। अब चलते हैं उस तरफ और बात कर लेते हैं पहले इंजन के बारे में कि इसमें कैसा इंजन आपको मिलता है। इसमें तो वैसे भी डीजल और पेट्रोल दोनों के इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल के साथ। और ये जो इंजन है अभी हम देख रहे हैं, ये है पेट्रोल इंजन, तो ये है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आएगा बहुत जबरदस्त पावर के साथ, जिसमें आते हैं 200 BHP और 380 Nm का टॉर्क। ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल हो जाएगा। MX में पेट्रोल में आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है, लेकिन अगर आप MX डीजल में जाएंगे तो वहां पर आपको कम पावर मिलती है, जो कि 160 BHP का अराउंड आई थिंक मिलती है, उसमें पावर कम कर दी गई है। उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में सब में आपको पावर अच्छी मिलती है, ऊपर इंसुलेशन वगैरह मिल जाती है। और यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स होने चाहिए, जिनकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, महिंद्रा को अपग्रेड करने में आई थिंक जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बोनट बहुत ज़्यादा भारी है। और 5-स्टार रेटेड है सेफ्टी कार के साथ, सेफ्टी के हिसाब से, जैसा कि आप लोगों को पता है। आप साइड से एक बार लुक दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखने के लिए मिलेगा। और अगर वेरिएंट्स की बात करें, अगर आप लोग नहीं जानते, तो इसके वेरिएंट्स स्टार्ट होते हैं MX, AX3, AX5, AX7 और AX7 लग्जरी पैक वाला। इसमें वही मैनुअल वाले आपके मिलेंगे, ऑटोमेटिक वाला हिसाब नहीं है, जो कि सिर्फ AX7L में, यानी लग्जरी पैक वाले में आता है। और कुछ ऐसी साइड से लुक देखने के लिए मिलेंगे, ये चारों ही डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि गाड़ी के पावर के हिसाब से देखते हुए चारों डिस्क ब्रेक बहुत अच्छा एक स्टेप है। बाकी यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें, तो 60 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। और अगर साइड से एक बार लुक दिखाऊं, तो एक बार पीछे से एक बार लुक दिखा देता हूं आप लोगों को कैसी देखने के लिए मिलने वाला है आपका बेस वेरिएंट। बेस वेरिएंट पीछे से देखने पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये बेस वेरिएंट, क्योंकि जो उसकी टेल लैंप्स है वो भी आपको LED में देखने के लिए मिलने वाली है सब कुछ। फ्रंट में तो आपको इंडिकेटर हैलोजन मिल जाते हैं, बट पीछे सेम जैसा कि आपको टॉप मॉडल मिलता है, वैसे ही आपको बेस मॉडल में भी मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। नीचे रिफ्लेक्टर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, स्किड प्लेट वगैरह नहीं मिलती है, 2 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, कैमरा वगैरह इसमें नहीं आता है। पीछे महिंद्रा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है, कैमरा जो यहाँ पे आता है ना वो नहीं आएगा, कैमरा AX5 में भी नहीं आता है वो। और बाकी पीछे कुछ ऐसा लुक देखने के लिए मिलेगा, वाइपर डिफॉगर नहीं आएंगे इसमें, AX3 से आने लगते हैं वो। और ऊपर जो ये एंटीना नॉर्मल मिलेगा, शार्प फिन वाला भी AX3 से आने लगेगा वो। और ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिल जाएगा आपको इसमें। पीछे से एक ओवरऑल कुछ ऐसा लुक देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि इसका स्पेयर व्हील है वो तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नीचे मिलता है यहां पे, जो कि आपको 17 इंचेस का ही मिलेगा, स्टील व्हील मिलेगा, जैसे कि इसमें जो अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं उसकी जगह वो सेम आता है स्टील व्हील में। और जो AX3 आता है उसमें भी आपको स्टील व्हील मिलेगा, बट उसमें कवर मिल जाता है साथ में, इसमें कवर भी आई थिंक नहीं आता। बाकी पीछे कुछ ऐसा लुक और की वही टिपिकल महिंद्रा स्टाइल में मिलती है, जिसको महिंद्रा को जरूर चेंज करना चाहिए यार, इतनी प्रीमियम कार है, उसके हिसाब से ये ओल्ड की शोभा नहीं देती। तो वही आपको रिमोट की मिलेगी, लॉक अनलॉक और टेलगेट ओपन करने के बटन्स मिल जाते हैं इसमें। पीछे कुछ ऐसा लुक देखने के लिए मिलेगा, तो टेलगेट अब ओपन कर लेते हैं फिलहाल। सो अभी ऑफिशियली महिंद्रा की तरफ से 5 सीटर का जो बूट स्पेस है वो बताया नहीं गया है, 6-7 सीटर का तो बता दिया, उसमें 60 लीटर्स का आता है, लेकिन 5 सीटर वाला बताया नहीं गया। लेकिन एक अंदाजन अगर बताएं तो 500 लीटर्स का एटलीस्ट इससे कम नहीं होगा बूट स्पेस, तो आप अंदाज़ा लगा लो। बाकी यहाँ पे पार्सल ट्रे के लिए जगह दी हुई है, बट इसमें पार्सल ट्रे नहीं आती है, नीचे थोड़ा वो स्पेस। और इसे उठाएंगे तो टूल किट आपकी मिल जाती है, और इसे भी और उठाएंगे तो थोड़ा सा आपका सीक्रेट कंपार्टमेंट मिल जाता है, जहाँ पे अपना सोना चांदी च्यवनप्राश ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे 12 का पावर सॉकेट मिल जाता है, बॉटल रखने के लिए जगह मिल जाती है थर्ड पैसेंजर्स के लिए, मतलब इसमें है नहीं लेकिन फिर भी वही पुराना चल रहा है 7 सीटर वाला। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, हैंडल्स क्या मतलब, ग्रैब करने के लिए जगह,
बाकी पीछे से कुछ ऐसा लुक, और इसमें पीछे एमएक्स की बैजिंग नहीं आती है, ये भी एक मेन पॉइंट है, पीछे एमएक्स की बैजिंग नहीं आती, एक थ्री से स्टार्ट हो जाती है, एमएक्स की बैजिंग नहीं देते ये लोग। बाकी पीछे से कुछ ऐसा एक साइड से लुक देखने के लिए मिलेगा। फुट स्टेप आपका एक्सेसरीज का पार्ट है, ORVM में आपके टर्न इंडिकेटर्स आते हैं, ब्लैक कलर का आता है ये, इसमें LED टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे है डोर हैंडल्स, और बात करें अगर डोर की तो कुछ ऐसा डोर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि ब्लैक एंड बेज कलर की फिनिश में मिलेगा, सिल्वर कलर के आपके डोर हैंडल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपके ORVMs मिलते हैं, और आपकी कोई भी वन टच डाउन या फिर अप वाला फंक्शन नहीं आता विंडोज़ में, जो कि नॉर्मली आपको करना पड़ेगा। एंट्री वाला भी नहीं आता इसमें, बाकी आपके लॉक अनलॉक कर सकते हैं डोर्स यहाँ से, और अपनी विंडो लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं आप यहाँ बटन से। ब्लैक कलर के आपके डोर हैंडल्स मिलेंगे लॉक अनलॉक अनलॉक करने वाले। यहाँ पे टोटस के लिए जगह है, लेकिन चार स्पीकर का ही सिस्टम आता है इसमें, और नीचे आपका यहाँ पे कोई भी स्किड प्लेट वगैरह नहीं मिलेगी। बेस मॉडल में सबसे अच्छी बात यह है जो कि इसका हाइट एडजस्टमेंट वाला हिसाब किताब दिया हुआ है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट के लिए आपका जो ऑप्शन दिया वो बहुत अच्छा है। फैब्रिक सीट्स आएंगी, सीट का कंफर्ट A1 है, और कुछ ऐसा इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा। इंटीरियर में जो कलर कॉम्बिनेशन है वो तो सेम मिलेगा टॉप वेरिएंट्स में भी और नीचे वालों में भी, बाकी यहाँ पे जो सॉफ्ट टच फिनिश है वो हटा दी गई है, क्योंकि और ऑब्वियसली बेस वेरिएंट तो हटाई दी जाएगी। बाकी फ्रंट ड्राइवर सीट पूरी पीछे करने के बाद कुछ इतना स्पेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, और बैठते कार के अंदर और कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील सेम वैसा स्टीयरिंग मिलेगा, बीच में महिंद्रा का लोगो मिलने वाला है, और लेफ्ट साइड में आपके कंट्रोल्स मिलेंगे, मीडिया रिलेटेड MID रिलेटेड कंट्रोल्स आपके नहीं मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल्स वगैरह भी इसमें नहीं आते हैं, ऐसे आप लोग जानते हैं बेस मॉडल में किसी में नहीं आते हैं। और बाकी यहाँ पे बीच में महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपके ब्लूटूथ वगैरह चेंज करने वाले बटन, कॉल रिसीव एंड डिस्कनेक्ट, और यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है, सिल्वर फिनिश मिल जाती है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच, मतलब सॉफ्ट सा है ये स्टीयरिंग व्हील। और बाकी कुछ यहाँ पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपका हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक वगैरह वाला कोई भी सीन नहीं है इसमें, और यहाँ से आप अपने MID कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वाला जो बटन आता है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑन ऑफ करने के लिए। MID कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हैं, हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका की होल है, जहाँ पे एल्यूमिनेटेड रिंग आपको मिल जाती है। सो कार को आप कर लेते हैं ऑन, और इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स देखते हैं, और इसमें बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें जो आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मतलब LED आती है, वो LCD डिस्प्ले आती है, वो नहीं आती है इस मॉडल में, वो X3 से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको नॉर्मल जो एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वो मिलेगा, साइड में आपका RPM मीटर मिलेगा, और राइट साइड में आपका स्पीडोमीटर मिलेगा, बीच में MID मिल जाती है जिसमें आपका डिजिटल स्पीड वगैरह जरूर शो करता रहेगा, जिसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आपका पेज वाले बटन से। पेज वाले बटन पर जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाएगा, जैसे फ्यूल इन्फॉर्मेशन हो गया, आपका ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, अलर्ट हिस्ट्री, सेटिंग्स वगैरह पर कर सकते हैं, और व्हीकल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल स्पीड यहाँ पे मिल जाती है, और फ्यूल सारे के सारे यहाँ पे जितने भी आपके फंक्शंस हैं बेस मॉडल वाले वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन है जो कि हैं वो टॉप वेरिएंट्स वाले और दे दिए गए हैं इसमें, तो जैसे कि पैसेंजर एयरबैग वाला ऑन ऑफ करने का जो यहाँ पे आता है उसके जो डेडिकेटेड बटन से वो काम नहीं करते, लेकिन वो यहाँ पे भी दे दिया गया है। ट्रिप ए ट्रिप बी वाला यहाँ पे मिल जाता है आपको सब कुछ, और व्हीकल इन्फॉर्मेशन, हाई यहाँ पे स्पीड वगैरह, लेआउट, डिजिटल स्पीड वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। तो ये एक अच्छा है, मतलब देखने में नाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी सारे के सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, और पूरा पूरा बोनट दिखता है आपका, पूरी गाड़ी आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर पाओगे, बोनट पूरा कॉन्फिडेंस आता है जो चला रहा है। अब आगे यहाँ पे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा 4 स्पीकर के साथ। अगर आप लोग इसका ऑडियो टेस्ट सुनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर लेना, और इसकी एक जो ऑडियो टेस्ट मैंने बनाया वो भी आप सुन सकते हो। बाकी यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो का तो ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी ब्लूटूथ वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, अभी तक तो वैसे आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा जब तक आने वाला, जब तक कार डिलीवरी होने वाली है तब तक तो ये आ ही जाएगा। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले और जनरल वगैरह की सेटिंग, डेट एंड टाइम वगैरह सारे यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, म्यूजिक इकोसेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, 4 स्पीकर के बावजूद बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है। AC वेंट्स यहाँ पे मिलेंगे, मैनुअल AC मिलेगा, AC के जितने बटन्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे AC के फंक्शन वाले वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे AC वेंट वगैरह यहाँ से 1, 2, 3, 4 करके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे वो मैं पैसेंजर एयरबैग की बात कर रहा था, जो कि यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं बट वो काम नहीं करते ना AX, मतलब MX में तो करते ही नहीं है, और AX5 में भी नहीं करते वो। और बाकी यहाँ पे आपको होम बटन मिल जाएगा, 1000 लैंप को बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एक स्क्रीन सेवर वाला बटन दिया हुआ है, जैसे स्क्रीन सेवर नहीं आ जाता तो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो कि वो आना है नहीं आना, यहाँ पे वो भी बटन्स हैं जो काम नहीं करते हैं। और यहाँ पे आपका मिल जाता है, नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा एक USB पॉइंट, उसके साइड में एक फ़ोन रखने की बहुत अच्छी जगह है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल लगी मेरे को। आप अगर चाहें तो मेरी जो AX5 वाली वेरिएंट है वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
लेकिन ऑटोमेटिक AX3 से स्टार्ट होगा, MX पीरियड में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैनुअल ही मिलेगा। 5 सीटर का ऑप्शन भी इसी में सिर्फ आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपका जो सेंसर है पीछे वाले वो आपके सेंटीमीटर भी बताता रहेगा, जो आपको ऑब्जेक्ट है टकराने वाला वो कितनी दूरी में है, तो वो भी एक अच्छा फीचर है अगर कैमरा नहीं है तो। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक, एक ग्लास होल्डर और थोड़ा बहुत कॉइन स्लिप होल्डर वगैरह जो आप कह सकते हैं इनको, आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये भी हार्ड प्लास्टिक ही कह सकते हो इसको वैसे तो, बाकी सेमी हार्ड कह लो आप इसको। और बाकी अंदर आपको एक की रखने की जगह है, थोड़ी बहुत स्पेस, कूलर कूल्ड वगैरह नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा मिलेगा, स्पेस भी आपको ठीक मिलेगी ताकि आपका सामान छोटा मोटा आ जाए। बाकी डैशबोर्ड कुछ ऐसा सब जगह हार्ड प्लास्टिक यूज हुआ, मतलब जो सॉफ्ट टच फिनिश है वो आपको टॉप वेरियंट्स में ही मिलेगी। ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है आपको, जो कि ठीक ठाक स्पेस है, ना अच्छी ना बुरी ऐसा कह सकते हैं आप इसको। यहाँ और यहाँ पे मिलता है आपको मैनुअल IRBM जो कि बेस से लेकर टॉप तक मिलता है, एक मिसिंग फीचर है XUV700 का जो कि कुछ कमी आपको जरूर देगा। और यहाँ पे लाइट आपको मिल जाती है LED में, ये ठीक है चलो बेस वेरिएंट में दे दिया, ऊपर माइक आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, ये भी एक अच्छी बात है। दो एयरबैग्स आते हैं, चार एयरबैग नहीं आएंगे, चार एयरबैग आपके AX5 से स्टार्ट हो जाते हैं, और सनरूफ भी आपकी AX5 से हो जाती है, AX3 में भी आपको सनरूफ नहीं मिलती। और कुछ ऐसा फ्रंट से लुक, यहाँ पे सब कुछ कवर कर चुके हैं, बचा आपका स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, यानी अपने हाइट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। बाकी यहाँ सब कुछ कवर कर चुके हैं आगे से लेके नीचे तक। और यहाँ पे एडजस्टेबल आपकी सीट बेल्ट मिल जाती हैं, जो कि ये भी एक अच्छा फीचर है बेस मॉडल के हिसाब से। तो बाकी यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा चुके हैं, ज़्यादा क्लोज से महिंद्रा लोगों दिखाने के लिए सॉरी। और बाकी अब कार को कर चुके हैं ऑफ, चलते हैं इसके रियर सीट्स में, यानी सेकंड रो में, वहाँ आपको क्या स्पेस वगैरह मिलता है वो बताते हैं। सेम आपके डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके से, सेम आपका कुछ ऐसा ही ब्लैक एंड बीच कलर में। पीछे वाला डोर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल देखने के लिए मिलेंगे, सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलेंगे, ब्लैक कलर के आपके लॉक अनलॉक वाले। नीचे स्पीकर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, पीछे आपको सीट्स कुछ, एक सेकंड, ऊपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, थर्ड पैसेंजर के लिए भी नन्ना मुन्ना एडजस्टमेंट आपका हेडरेस्ट वाला मिल जाता है। बाकी सीट्स की अगर फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पे फैब्रिक आपको अपहोल्स्ट्री देखने के लिए मिलेगी, डिज़ाइन अच्छा है मेरे हिसाब से तो, बाकी आप लोग जो लेगा वो बदलवा देगा। बाकी यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, पूरे 100% आप सीट को होल्ड कर सकते हैं, 60-40 वाला कोई भी सीन यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा बैठने कार के अंदर। और स्पेस की तो पूछो मत, स्पेस तो वाह वाह वाह, स्पेस मतलब लेग रूम, थाई सपोर्ट, सब कुछ आपको बेस्ट बेस्ट मिलने वाला है 5 सीटर वगैरह में। और यहाँ पे AC वेंट भी मिल जाते हैं, और पीछे टाइप सी का पोर्ट भी दिया हुआ है, ये अच्छा किया जो पोर्ट दे दिया टाइप सी वाला बेस वेरियंट में, वरना ये हट जाता तो दिक्कत हो जाती। बाकी यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डोर देखने के लिए मिलेगा, ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलेंगे विद कोट हुक, बीच वाले के लिए भी रीडिंग लैंप आपकी मिल जाती है LED में मिलेंगी, वो भी कोट हुक ग्रैब हैंडल इस साइड में मिल जाता है। पीछे से आपका डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में अगर बेस मॉडल छोड़ दो, AX3 AX5 वाला उठा लो, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। बाकी अगर AX5 AX7 AX7L की वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में मेरे पड़ी, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और AX3 की भी आई होप जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा। तो सब कुछ भी बता चुके हैं, वीडियो कर लेते हैं यहीं पर एंड, और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो फिर आप ट्रू कार लवर हो, और मेरे चैनल भी थोड़ा बहुत पसंद है आपको, तो यहाँ तक आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, और अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी थोड़े मोड़े कुछ 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 मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग कोई सवाल भी हो तो वो भी डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो। आप लोग यहाँ कमेंट करोगे इससे अच्छा वहीं भी पूछ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो भी कमेंट वमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप वीडियो में। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।